जय श्री हरि विष्णु। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 मई को है निर्जला एकादशी, जिसको कि भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो जान लेते हैं उसकी व्रत कथा, पूजा मुहूर्त, पारण समय। व्रत कथा शुरू करते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्रातर युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं बिना भोजन किए रह ही नहीं सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में दो व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत आप मुझे बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को लेकर जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हो सके तो गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित या मुद्राओं सहित दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
इस व्रत के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को रखा जाएगा। व्रत का महत्व और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 से शुरू होगा और 31 मई को दोपहर 1:45 पर खत्म होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी 31 मई 2023 दिन बुधवार को रखी जाएगी। एकादशी के दिन गंगा स्नान का काफ़ी महत्व है। इस दिन स्नान कर भगवान विष्णु को तुलसी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, फल, धूप, दीप और मिश्री चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस दिन गोदान, वस्त्रदान, छाता, जूता, फल और जल आदि का दान करने से मनुष्य के जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस दिन रात्रि के समय जागरण करने की मान्यता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर और दक्षिणा देकर अन्न और जल ग्रहण करें। जल दान करने का मंत्र। देव देव ऋषिकेश संसार वर्तारक उत्कुंभ प्रदानेन न्या माम परमाम गतिम। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा यह मंत्र पढ़कर दान करना चाहिए। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्रत पारण समय। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। निर्जला एकादशी पर भूल से भी ये काम नहीं करना। इस दिन देर तक ना सोएं। इस दिन काले वस्त्र ना पहने। इस दिन बाल नहीं कटवाने हैं, शेविंग भी नहीं करवानी है, नाखून भी नहीं काटना है, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। यदि इस दिन किसी ने व्रत नहीं भी रखा है तब भी उसे चावल नहीं खाने चाहिए। चावल के अलावा इस दिन बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? इस दिन पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत आदि का दान करें। पितृ और चंद्र दोष से मुक्ति के लिए निर्जला एकादशी पर पानी का दान जरूर करें। निर्जला एकादशी पर प्याव लगवाने और मीठा पानी और शरबत बांटना चाहिए। इस दिन पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं। तो कैसी लगी आपको जानकारी निर्जला एकादशी के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें।